अगली खबर, योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे दिल्ली बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए। आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी, बैठक में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रहेंगे मौजूद। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे मुख्यमंत्रियों के साथ। ये बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक है, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। डिप्टी सीए केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे इस अहम बैठक के लिए, जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। अभी हमारे साथ जानकारी इसमें अहम जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ अमित दिनेश त्रिपाठी। दिनेश जी, आज इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या जानकारी है आपके पास बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में होंगे। उसी बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दूं, बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ, ऐसा बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आजादी के 75वीं वर्ष गांठ को किस तरह से मनाया जाए, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सॉरी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। इन दोनों तैयारियों को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संबोधित करेंगे। उसके बाद अंतिम चरण में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की आजादी की 75वीं वर्षगांठ और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का गुरुमंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे का यह संबोधन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा सभी मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को। इसके अलावा क्रमवाइज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इन सभी उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेगा आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। किस तरह से तैयारी की जाए, किस स्तर से संगठन को मजबूत किया जाए, बूथ स्तर तक कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ा जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाएं जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए, इन सभी मुद्दों पर को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। जी धन्यवाद दिनेश जी इस अहम जानकारी के लिए। बैठक में होगी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है।